इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट गार्डनिंग की, छत पे गार्डनिंग करना या इवन फार्मिंग आल्सो, बट मेन फोकस की छत पे गार्डनिंग कैसे करना है या कंटेनर में गार्डनिंग कैसे करना है, क्या बेनिफिशियल है, क्या गमला लेना चाहिए, क्या खाद लेना चाहिए, क्या स्प्रे, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट की ये जो गमले हैं जो आप प्लास्टिक वाले देख रहे हो, देखो गमले होते हैं प्लास्टिक के हैं, मिट्टी के हैं, आजकल वो जो कपड़े टाइप के भी आते हैं, थोड़ा वो भी आते हैं। तो कपड़े वाले में क्या है कि आपको क्लीन करने में, हटाने में वो बहुत दिक्कत होती है और मॉइस्चर भी बन जाता है। प्लास्टिक वाला एटलीस्ट आप ड्राई करके हटा सकते हो, राइट। यहाँ पर जिससे हमने रखे हुए हैं, ओके। तो और मिट्टी वाले, जैसे ये वाला मिट्टी वाला है, तो ऑफकोर्स उसका टूटने का डर रहता है, बाकी थोड़ा हैवी भी होता है, प्लास्टिक वाला लाइट होता है। तो प्रॉब्लम है कि यूज़ क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक और टाइप वाला, जैसे ये वाला आप जो देखे होगे, ये वाला कुछ ऐसा रहता है, ये येलो कलर उसमें छोटा भी आता है, हमने रखा नहीं कहीं पे, क्योंकि क्या होता है कि पूरा चिपकता है मिट्टी में अगर आप छत पे रख रहे हो डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या, आप जैसे मैंने इसको ये डंडे फंडे लगा के इधर रखे हुए हैं, तो फिर भी बेटर है, बट क्या है कि एकदम चिपक के रहता है, तो बहुत इजी मेंटेन नहीं कर सकते इजीली जो है, तो ये प्रॉब्लम है। और मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँगा, उसके बाद सॉल्यूशन की बात आप खुद समझ जाओगे। तो इसमें क्या है, वही मैंने बताया, मॉइस्चर आ जाता है, ओके। और प्लास्टिक वाला क्या है कि इसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद आपको धूप में, देखो आपको रखना पड़ेगा। मैं मोस्टली बात करूँगा कि वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करते हैं। अगर आप वेजिटेबल ग्रो कर लिए तो आप जो नॉर्मल डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा स्नेक प्लांट या इस टाइप के जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट और फ्लावर वाले नहीं होते हैं टेक्निकली, उनको तो आप आराम से ग्रो कर लोगे, वो तो आप मतलब समझो इजीली ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस फल प्रोड्यूस करना होता है, तो ऑफकोर्स एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इनको ज़्यादा खुराक चाहिए होता है, ज़्यादा आपको कंपोस्टिंग करना पड़ेगा ये सब। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी देखो इसमें जैसे आप जो मैंने बताया ना, ये 1 से 2 साल के अंदर ही जो है ये ख़राब होने लगता है। ख़राब होने मतलब ये धूप में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल प्लांट जो है आप धूप चाहिए ही चाहिए, मतलब कोई भी प्लांट जो है बाय नेचर इंडोर नहीं होता है। इवन जो आप इंडोर प्लांट लेके आते हो, लगाते हो, जैसे तुम्हारा ये है आपका स्नेक प्लांट है या एरिका पाम है या कोई भी इंडोर प्लांट जो आप सोच सकते हो, राइट, तो कुछ भी जो है बाय नेचर इंडोर नहीं होता है। हमने उसको बना दिया है, और बना दिया है तो क्या है कि उनका सर्वाइवल अच्छा होता है, आप छाए में रखोगे तब भी वो चलते रहते हैं, टफ प्लांट बोलते हैं, राइट, तो इसलिए चलते रहते हैं। लेकिन आप उनको भी आप थोड़ा सा बाहर रखोगे ना, तो उनका भी ग्रोथ अच्छा होगा, क्योंकि अंदर आप अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत दिनों तक, मान लो 2 महीने तक आप इंडोर प्लांट को ही रख दिए और कोई भी धूप नहीं लगी, तो होता है क्या है उसमें फंगस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसा कुछ इश्यूज आते हैं। अगर आप 1 घंटे के लिए भी उसको धूप दिखा दो ना, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, ओके। तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स, तो एज्यूमिंग कि आप सनलाइट देना ही देना है, आप वेजिटेबल आप ग्रो कर रहे हो, मैं वही एज्यूम कर रहा हूँ, तो 1 से 2 साल के अंदर ही आपका ये ऐसे आप खींचोगे ना, पट से निकल जाएगा, ये पट से टूट जाता है ये, ऐसा मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे टूटे हुए होंगे हमारे, क्योंकि यही होता है। तो ये है, बहुत सारे हैं, जस्ट ट्रस्ट में, तो 1-2 साल के अंदर ही इनकी हालत ख़राब हो जाती है। मिट्टी वाले गमले अच्छे हैं, सबसे बेस्ट गमले मिट्टी वाले होते हैं, अगर आपको इसको फ्लोर पे रखना है, ज़मीन पे, कहीं छत पे नहीं रखना है, क्योंकि ये अगर आप है भी नहीं, मान लो पिलर पे, बाउंड्री पे रख रहे हो आप, पिलर पे रख रहे हो, बेस्ट है, क्योंकि उसको ज़्यादा देखो आप मूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये मूव ज़्यादा करने पर टूट भी सकता है, और यही होता है, अगर मूव नहीं करना है ज़्यादा और आपको सॉलिड पोजीशन है, आपको वेट का प्रॉब्लम नहीं है,
तो मिट्टी से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मिट्टी जो है पूरा मॉइस्चर भी मेंटेन करती है, एरेशन भी बना रहता है, और मॉइस्चर जो है क्योंकि इसमें प्लास्टिक वाले में तो मॉइस्चर आपने डाला और जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है गर्मी में भी और दिक्कत होती है। तो ये बहुत अच्छा होता है, सबसे टॉप का होता है मिट्टी वाला मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद प्लास्टिक वाला लाइट होता है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा धूप नहीं लगती है। इससे मान लो ये हमारा एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कवर है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट जो हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही रहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा है ये सारे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कवर हो गया है अभी और हम ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। मूव नहीं करना है तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी टूटेगा ज़रूर, ये 2-3 साल में टूटेगा ज़रूर। आपने पकड़ा और थोड़ा सा आप कुछ लगा रहे हो तो टूटना शुरू हो जाएगा। तो ये है, और इसका तो ये लाइट होता है लेकिन वही है कि पूरा मिट्टी में चिपक कर रहता है, तो मूव करने में तो बिल्कुल ही आप भूल ही जाओ इसको, क्योंकि प्लास्टिक वाला क्या है, आपने थोड़ा मूव किया और पानी वाटर क्लीन किया और फिर से रख दिया। तो प्रॉस एंड कॉन्स है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने, हाँ तो कुल मिला के इसमें पैदा क्या कर सकते हो भाई, ग्रो क्या कर सकते हो, जो आप गमले का साइज़ क्या होता है, ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। क्योंकि देखो आप वेजिटेबल्स में जैसे है टोमेटो है, चिल्ली है, ये देखो चिल्ली, ये देखो राइट, चिल्ली है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ओके। तो ये सारा चीज़ें आपको ग्रो करना है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बड़ा गमला यूज़ करो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, जो ये बड़े टाइप के प्लांट हो जाते हैं, और क्योंकि ये 2-3 साल तक चल जाते हैं अगर आपने अच्छे से केयर किया तो चल जाएंगे। और छोटे में करोगे तो आपको 1-2 टोमेटो आ जाएंगे, 1-2 ब्रिंजल आ जाएंगे, और ज़्यादा नहीं आता है, और ज़्यादा आने के लिए आप फर्टिलाइज़र बाहर से डालना पड़ेगा, तो कुल मिला के इनपुट आउटपुट आपका ज़ीरो हो जाता है, इनपुट ज़्यादा हो जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगा, ओके। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा छोटे गमले में, आप बड़ा गमला ही यूज़ करो इनके लिए। छोटे गमले फिर किसके लिए यूज़ करोगे, छोटे गमले में जैसे आपको धनिया है, मेथी है, पालक है, जिनकी रूट जो 6 इंच जो वाले गमलों में, जो लोग बोलते हैं 6 इंच वाले गमले जो होते हैं गुड इनफ होते हैं, वो आप उसमें देखो, बड़े गमले का एडवांटेज ये है ना कि उसमें मॉइस्चर टाइम तक बना रहता है, आपको ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता। मेरा इंटेंशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कुल मिला के ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा के आपको वेजिटेबल्स लेना है, जैसे फ्री में लेना है आपको, आप छत पे आए, घूमे, वाटर चल रहा है, डाल रहे हैं और आप चले गए, मतलब आप एक बार आधे घंटे के लिए घूमने आए और उसमें इतना आपका काम हो जाए, मेरा फंडा वही है, ओके। तो जो छोटे गमले हैं लाइक 8 इंच 10 6 इंच का तो गमला मत ही रखो, जैसे 6 इंच का मतलब हमारे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से ये है देखो 6 इंच, ओके, ये बहुत छोटा है, जिसमें पुदीना या इस टाइप का लगा सकते हो आप ऐसे, लेकिन यूजली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर भी उसके लिए 10 इंच वाला है तो वो रखो, धनिया मेथी पालक की जो भी छोटी छोटी रूट वाली हैं उसमें यूज़ करो। और अलॉन्ग विद दैट अगर आपका गमला थोड़ा सा डेप्थ है, देखो यहाँ पे हमने सोया भी लगा रखा है, या इसमें आप कुछ बड़ा वाला जो है से ये लगा लो, तुलसी लगा लो, हाँ या मतलब कुछ आप कैरेट लगा लो, इसमें 1-1 कैरेट लगा लो, मूली लगा लो, तो आपको यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि बस खाली आप 8 इंच का गमला है, आपने इतना यूज़ किया और उसमें धनिया मेथी कर रहे हो जो 6 इंच में हो जाता है, तो वो यूज करो। अलॉन्ग विद दैट आप अदर चीज़ें भी ग्रो करो जिसकी रूट थोड़ा डेप्थ में जाती हो। एक तो ये टॉप वाला हो गया जिसे आपने धनिया मेथी पालक डाल दिया, और इसके साथ आपने ऐसा कुछ भी डाल दिया, जैसे इसमें मूली डाल दिए, कैरेट डाल दिए, ऐसा करना है। देखो यहाँ पे हमारे कोई भी एक्चुअली मैं कोशिश हमारी यही रहती है कि उसमें हम मल्टी लेयर फार्मिंग इसको बोलते हैं एक्चुअली एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट में। तो ये देखो यहाँ पे मेथी है, यहाँ पे सोया भी है, तो इसमें क्या है कि ओके ना, ये तो हो गया चलो गमले के लिए। और अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास हम गमलों से
बहुत परेशान थे, क्योंकि देखो यहाँ पे मिट्टी वाले गमले टूट जाते हैं, ये वाला प्लास्टिक वाला गमला जो है टूट जाता है ओवर द टाइम धूप से, तो यूज़ क्या करना है छत पे। तो ये देखो मेरा एक्चुअली आपके पास, अगर आप रेंटेड नहीं हो तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक क्यारी टाइप का एक बना लो आप। ओके, तो क्यारी में क्या है कि आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, मिट्टी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो आपको अच्छा खासा बड़ा वाली चीज़ें भी आप ग्रो कर सकते हो और विदाउट वरी, और उसमें मॉइस्चर अच्छा रहेगा, मेंटेनेंस कम रहेगा, कुछ भी इसमें टूटना नहीं, कुछ भी जो है ओवर द टाइम ख़राब नहीं होना है, बट वन टाइम आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। तो ये है आपका, बस खाली ये वन टाइम आपको अगर लॉन्ग टाइम पे करना है तो आई थिंक अभी ये हो गया 4 ईयर आई थिंक इसको बनाए हमको कैरी को, प्रॉब्लम तो अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखी, मॉइस्चर ऐसा टाइप का, बट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ था तो लगभग 40-50,000 ऐसे हुआ था इसमें, आपका ये 40x30 ऐसे कुछ होगा। तो क्यारी मैंने इसीलिए गया क्योंकि हमारे सारे गमलों में जो छत पे आप रखते हो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपका जैसे ये देखो बड़ा वाला साइज़, ये सबसे बड़ा साइज़ ये कम से कम 15 इंच होगा, आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे गमले हमने क्या है कि पहली बात ये हैवी हो गया है, ये वाला क्या है कि एकदम हमने आ रहा है पिलर्स पे हमने बना रखा है, तो पूरा समझो छत है भाई, छत आपने वहाँ पे पूरा कवर करते हो, इतना उसमें सरिया और सब डाल के वजन करते हो, उससे तो कम ही है ये, वजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्यारी सबसे, अब इसमें क्या है कि हम बड़ी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे देखो आप मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिखेगा कि हमारी क्यारी जो है उसमें आप देखो फंडा क्या है, जब आप ये गार्डनिंग करते हो नेचुरल फार्मिंग फॉलो करो, नेचुरल फार्मिंग मतलब कि आपको नेचर कैसे जो है पौधों को, जैसे आप जंगल मॉडल है वही है कि उसमें कोई भी खाद नहीं देनी, कोई भी पानी नहीं देना, ओके, और कोई भी स्प्रे नहीं करता, फिर भी वहाँ पे चीज़ें सर्वाइव करती हैं। तो अभी वो छत पे कैसे होगा वो, क्योंकि जंगल में तो आपको सब पत्ते गिरते रहते हैं, राइट, आपके पास उतने पत्ते नहीं हैं और मिट्टी जो है वहाँ पे है आपको, और आपको मिट्टी ख़रीदना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, मिट्टी लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेकिन मैक्सिमम क्या फॉलो कर सकते हैं, जो नेचर से हमने सीखा है, जो जंगल मॉडल है उसको मैक्सिमाइज़ करना यहाँ पे, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका कॉस्ट कम होगा और आउटपुट बढ़ेगा। तो जंगल मॉडल फंडा ये सिंपली समझिए कि मिट्टी जो है पूरी कवर होनी चाहिए, ओके, जिससे मॉइस्चर बना रहे, उससे जो आप पानी डालोगे वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ओके, जल्दी उड़ेगा नहीं, तो आपका पानी की खपत भी कम होगी, वीड्स नहीं ग्रो होंगे, वीड्स जो घास फूस होता है वो नहीं ग्रो होंगे। ये फंडा नॉर्मली काम करता है, तुम्हारा एग्रीकल्चर वहीं से हमने लिया हुआ है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, पिछले 4 ईयर आई थिंक 4 ईयर हो गया अभी मुझे ये ट्राई करते करते, क्योंकि अभी का जो ग्रोथ है वो बहुत मुझे खुशी हुई, जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट से मुझे हैप्पीनेस हुआ कि भाई हमारा इनपुट ज़ीरो है, आउटपुट कम भी आया तो चलेगा। पहले क्या था कि भाई हम स्प्रे लेके दिन सुबह शाम तक, अब दोपहर में साला फुल डे हम स्प्रे लेके मारते रहते थे, वास करते रहते थे कीड़ों को, अरे दिमाग की दही हो जाती थी। तो ये वाले सिचुएशन से मैं गया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब मैं बताऊँगा आपको। तो ओके, मैं पहले बताऊँगा नेचुरल फार्मिंग का फंडा क्या है कि पहले तो मिट्टी को कवर होने चाहिए पूरा, ओके, ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पूरा शेड है और मिट्टी हमारे पास उतना ऐसा कुछ है नहीं कवरिंग के लिए, लेकिन हमने कई बार कवर किया, तो कवर किया उसमें क्या है कि कवर करने से क्या है कि पूरा एक इन्वायरमेंट बना रहता है हमारे अर्थवॉर्म्स के लिए। तो इसमें फंडा क्या है कि आप अर्थवाम लाना है आपको आपकी सॉइल में, अर्थवाम इज़ लाइक फैक्ट्री ऑफ वर्मी कंपोस्ट, राइट। वर्मी कंपोस्ट आपका क्या है, केचुए की पॉटी है ना, केचुए का वेस्ट है ना, तो अर्थवाम इज केचुआ, ओके। तो जब वो पॉटी करता है तो वही सबसे दुनिया की बेस्ट खाद मानते हैं। अभी आप इसमें देखोगे पूरा भरा हुआ है,
और मेरा मिट्टी का कलर जो है एक्चुअल में यहाँ पे हैदराबाद में इस रेड एक्चुअली, और वो रेड जब मिट्टी थोड़ा सा भी थोड़ा धूप लगती है तो एकदम चट्टान टाइप की बन जाती थी, लेकिन अभी इसकी हालत है कि एकदम काली हो गई है। केचुए भयंकर हो गए हैं और आपको सभी जगह बहुत भयंकर केचुए दिखेंगे इसमें। तो केचुए लाने हैं आपको आपकी मिट्टी में, तो वो आपको मिट्टी को फर्टिलाइज़र देते रहेंगे डेफिनेटली, और आप मिट्टी को कवर करते रहोगे तो जो कवर है ना ये जो पत्ते हैं अब ये उनका भोजन है समझो, इस पर आप मॉइस्चर बना रहेगा तो ये इसके नीचे जो है अच्छा काम करते हैं, जिससे धूप आपका पड़ेगी तो नीचे चले जाएंगे, ये याद रखो। इसीलिए आपको आप कवर करके रखोगे तो आके पूरा वो एकदम भयंकर काम करते रहेंगे, खाते रहेंगे, मिट्टी खाएंगे, हगेंगे, आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ख़त्म। ओके, तो फर्टिलाइज़र डालने ख़त्म, लेकिन व्हाट अबाउट स्प्रे जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहते हो? हाँ, तो स्प्रे ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे हटाया तो केचुए दिखेंगे, ये देखिए, क्योंकि वो क्या रहा है यहाँ पे हमारा अभी जब कभी कभी केचुए जो है गमले से जो बाहर निकल जाते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह थोड़ा सा मैं केयर नहीं करता हूँ ज़्यादा, इसलिए ये देखो जो केचुए बाहर निकले, और देखो इन्होंने पूरा फैमिली बना लिया है यहाँ पे, पूरा एकदम आगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये पूरा एकदम ज़बरदस्त दुनिया का सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो ये यहाँ पे देखो जो मिट्टी के बाहर आ गए हैं वो अब उनके लिए जाने की जगह नहीं मिली, तो यहीं पे अपना वो कुछ इधर उधर खा के अपना कर रहे हैं छत पे, समझो उतना हो गए हैं, इतने केचुए हैं इतने ज़्यादा, ये देखिए देखिए इनको, ये देखिए पूरा भयंकर। कोई भी जगह जहाँ पे आप थोड़ा सा इधर कवर पड़ोगे रहेगा आपको दिख जाएंगे। और ये देखिए देख रहे हैं, ये मेरा छत के कैरी के नीचे है, ये देखो बाप रे, कहीं भी मतलब अभी क्योंकि थोड़ा सा बारिश वारिश हो गई है तो जो केचुए निकल जाते हैं ना, जैसे इसमें हमारे केचुए हैं इसमें भी, अब इसमें जो निकल गए अब वो कहाँ जाएंगे छत पे, अब इधर उधर कहीं पे जहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा मॉइस्चर वहीं पे घुस जाते हैं वहीं पे, बहुत सारे मर जाते हैं पूरा एकदम, आपको छत पे एकदम मरे हुए दिखेंगे एकदम, क्योंकि मान लो धूप हो गई तो ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग आप के मामले में थोड़ा सा आपको लगेगा, अरे केचुए घूम रहे हैं ये सब है, ये बदबू नहीं करते जब तक मरते नहीं हैं। और तो ये है आपका, अगर इसमें पानी नहीं लगेगा ना, साफ कभी कभी क्या है गमले भर देते हैं ना मॉइस्चर के लिए, तो होता क्या है कि आप केचुए उसमें पानी भरा रहेगा कुछ देर तक तो निकलते हैं बाहर, जो निकल पाते हैं अब वो छत पे आ गए तो फिर या तो मरेंगे या तो कहीं जाकर इसे छुपेंगे, देखो तो मोस्टली मर जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो आपको कुल मिला के इसमें केचुए लाना है, केचुए ला दिए तो आपका फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी आपकी बात करते हैं हम स्प्रे की, इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो मेरा बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। वर्मी कंपोस्ट जो है हर वीक में लेके आता था, हर जो है 3 मंथ में तो आपका धनिया मेथी पालक लगाना होता है राइट, अब हर बार में जो है आपको वर्मी कंपोस्ट और ये सब लेके आना पड़ेगा, खाद लाना पड़ेगा, फिर स्प्रे भी लाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कीड़े लगते हैं। अभी इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, नहीं लगेंगे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे आपने फर्टिलाइज़र आपका पूरा है, जितना आपको पौधे को चाहिए आपका जो है केचुआ पूरा प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जब पौधा हेल्दी होगा, पौधे को एनर्जी पूरी मिल रही है, आपको सोचना नहीं है कि उसको भाई क्या डालना है, कैल्शियम डालना, मैग्नीशियम डालना, जो है बोन मील डालना है कि जो है खली डालना है, सरसों की खली डालना है, आपको ये सब सोचना नहीं है, केचुआ सारा कुछ फुलफिल कर रहा है। तो कुल मिला के देखो जब आपका पौधा हेल्दी होता है तो आपके पौधे में रोग नहीं लगते, पौधा हेल्दी रोग बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपका फर्टिलाइज़र आपने प्रॉपर दिया, उसको न्यूट्रिशन जो भी चाहिए आपको मिल गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आपका, नहीं तो क्या होता है कि टमाटर हुआ, टमाटर में जो है फटने लगता है, कैल्शियम की कमी हो गई, अरे आप जो है उसका कैल्शियम लेके आओ बाहर
जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बोलते हैं, इसमें चूना डालो तो ये वाला ये डालो, अरे कहाँ से भाई, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन इतने सारे मिनरल्स होते हैं, आप पूरा R&D करोगे क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एग्रीकल्चर नहीं सीखना है। यही मैंने किया, यही मैंने, मेरा प्रॉब्लम था, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए, पेड़ वाले भी ज्वाइन किए, तो मैंने सीखा, काम करती हैं चीज़ें कि मतलब आप उसमें ला के डालो, आपका थोड़ा ग्रो अच्छा से होगा और फिर उसके बाद फिर से डालो। तो ये रिपीटेटिव है, ये मार्केट के लिए अच्छा है, जो बेच रहे हैं, जो नीम ऑयल बेच रहे हैं उनके लिए अच्छा है। आपको आपको देखो, नीम ऑयल डालोगे तो कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन फिर से भी नीम ऑयल डालना पड़ेगा भाई दोबारा। आप जो है एक हफ्ते बाद जब वॉश हो जाएगा वो, या एक हफ्ते बाद फिर से डालना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, ये ट्रैप से आपको बाहर आना है, ऑर्गेनिक वाले ट्रैप से बाहर आना है और नेचुरल फंडा आपको ट्राई करना है कि भाई जंगल मॉडल क्या है। उसमें आपको कम इनपुट डालना है, कम इनपुट क्या, ज़ीरो इनपुट डालना है। ओके, तो अभी नाउ बात करते हैं कि भाई ठीक है, आपका फर्टिलाइज़र पूरा हो गया, स्प्रे पूरा हो गया, तो आपका तो कुछ भी डालना ही नहीं है, बस खाली मिट्टी चलो एक बार अरेंज करना है छत के लिए आपको, सो तो ख़रीदना पड़ेगा शायद आपको, जैसे हमने आपको ख़रीदना राइट। उसके बाद जो भी इसमें, हाँ इस यहाँ से जो भी, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी निकलता है यहाँ से कुछ भी जो है बाहर नहीं जाना, कुछ भी मतलब फ्रूट आपका जो फल है सब्जियाँ हैं इसके अलावा कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं जाना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पत्ता, कोई भी टहनी, कोई भी वेस्ट यहाँ से बाहर नहीं जाना, छत का छत पे ही रहेगा सब कुछ। यहाँ पे पत्ते ख़राब हो गए, क्यारी के अंदर डालो, यहाँ पे ये देखो क्यारी के अंदर डालो, केचुए खाएंगे उसको, धीरे धीरे खाते रहेंगे, अपना उनके लिए एनवायरनमेंट बनाओ, मिट्टी को पूरा कवर करके रखो। हाँ, आपके पास थिक तना हो गया, जिससे हम कभी कभी जब हमारा ये तुम्हारा ब्रिंजल टोमेटो ये बड़े बड़े स्टेम्स रहते हैं, अब वो उतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और आपको बहुत सारा हो गया है सपोज़ करो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि यार इसको तो फेंकना तो पड़ेगा, फेंकना बिल्कुल नहीं है, उसको आप बर्न करो, उसको जलाओ, उसका राख इसमें डाल दो। देखो राख का कॉन्सेप्ट जो है अभी अब बताएंगे, आपको ख़रीदना भी पड़ता है अमेजन से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब करना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के देखो राख बहुत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास ज़्यादा हो गया चीज़ें और आप यहाँ पे इसमें पत्तियाँ पूरे भरे हुई हैं आपका, आपको कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पत्ते और नई चीज़ एक्स्ट्रा हो गए बहुत ज़्यादा हैं, बंद करो, बंद करके राख डाल दो उसमें, ख़त्म। तो कुछ भी यहाँ से सिर्फ आपका फ्रूट फ्लावर जो भी आप ग्रो कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं जाना, सिंपल। ओके, तो ये हाँ अभी ना बात करते हैं कि चलो ठीक है, फर्टिलाइज़र और स्प्रे सब कुछ काम हो गया। ओके, आपको इस पानी के लिए आपको पानी डालना पड़ेगा, लेकिन कितना, बहुत कम डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी मिट्टी कवर है, राइट। यहाँ पे देखो पूरा मिट्टी जैसे आपको कवर है, ये पूरा इन्वायरमेंट है। अभी यहाँ पे मैं इसको हटाऊँ ना, केचुए यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये देखो, ये देखिए पूरा ये केचुए का टेक्सचर है, ये पूरा उनका पॉटी है, ये मैं हाथ से इसको मैं खोद इसका डिग कर सकता हूँ, ये सिचुएशन है यहाँ पे। मैं अभी मुझे खुरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ पौधा लगाने के लिए, ये पूरा ये देखो केचुए पूरा भरे हुए हैं, ये देखो। तो कुल मिला के आपकी मिट्टी कितनी भी टफ हो, आपका केचुए लाना है, केचुए ला दिए तो हो गया। हाँ, केचुए लाना कितना टफ है, कितना आसान है, देखो मैं बताता हूँ। ओके, तो इसमें एक आपने सुना होगा वेस्ट डिकम्पोज़र, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कभी कभी रिकमेंड कर देते हैं, भाई चलो वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दो, थोड़ा 50 रुपये का एक बॉटल तो नहीं मिलेगा, अमेज़न पे या कहीं से आप मंगवाओगे तो 200-300 रुपये का मे बी वो 2-3 बॉटल बेच देंगे आपको, 10-8। मैंने 2-3 बार मंगाया और ट्राई किया वेस्ट डिकम्पोज़र। केचुए आते हैं, बहुत स्लो आते हैं, उससे इतना जल्दी नहीं आते, तो एक तो वेस्ट कंपोजर हो गया, मैं हैप्पी नहीं हूँ, ऑफकोर्स मैं बता रहा हूँ अपना फीडबैक। और नंबर दो, आपको ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, तो ओके, एक वेस्ट कंपोजर हो गया, एक होता है जीवामृत, वो अच्छा है डेफिनेटली। जीवामृत बताता हूँ मैं क्या होता है,
उसमें गोबर रहता है, गौमूत्र रहता है, गुड़ रहता है, बेसन रहता है, बेसन आप चने का बेसन या ऐसा कुछ होता है, आप वो डालो, वो डाल के बनाते हैं तो जो लिक्विड बनता है एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाता है, तो उसको आप डालते हो तो आपका पूरा फुल नेचुरल रहता है, मतलब सब कुछ आपको नेचुरल रहता है और उससे केचुए आ जाते हैं आपको। हाँ, लेकिन उसमें चैलेंज मुझे जो लगा कि पहली बात तो देसी गाय का गोबर कलेक्ट करना और गौमूत्र खरीदना, वो थोड़ा पहली बात कॉस्टली भी हो जाता था और टफ भी हो जाता था। हमारे यहाँ पे गौशाला भी है बाजू में 1 किलोमीटर पे, तो मैं 2 साल एटलीस्ट मैंने ट्राई किया वो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। और ये गौशाला वाले जो है एक बैग का 100 रुपये मांगने लगे थे, फिर उसके बाद 200 रुपये मांगने लगे एक बैग का, एक बैग गोबर का, वो भी गोबर पूरा फुल डिकम्पोज गोबर नहीं। तो मुझे लगा भाई ये तो टू मच हो गया, टू मच क्या, मैं लाता ही था, लेकिन क्या है कि मुझे और चीज़ फंडे समझ में आए तब से मैंने बंद किया एक्चुअली। तो ओके, उसके बाद एक तो जीवामृत हो गया समझो, जिसमें आपको गोबर गौमूत्र का जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ क्या खरीदना पड़ेगा, मे बी, और मे बी चांस है कि आप बहुत सिटी के अंदर हो तो आपको शायद गौशाला आपके पास हो भी ना, और गोबर देसी गाय का, गौमूत्र भी देसी गाय का होना चाहिए, ये रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, तो ये जीवामृत हो गया दैट वी कैन यूज टू गेट द अर्थवर्म क्विकली, और वो आप डालते रहो, क्योंकि देखो ओवरऑल जीवामृत का भी फंडे से आप अगर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट बहुत कम आएगा, जो आप कंपेरेटिवली तुम्हारा ये सरसों की खली या वर्मी कंपोस्ट ये सब लाके, भाई वर्मी कंपोस्ट आप लाओगे तो बार बार आपको लाना पड़ेगा, मार्केट से लाना पड़ेगा, मार्केट पे डिपेंडेंट हो गए, वर्मी कंपोस्ट तो बिल्कुल ही नहीं लाना है, वही तो मेन प्रॉब्लम है। वो मार्केटिंग करने वाले कभी नहीं आपको बोलेंगे कि भैया तुम जीवामृत या ये सब डाल दो, क्योंकि आपकी फैक्ट्री आपके घर पर बन जाएगी ना। ओके, तो जीवामृत मैंने बताया, उसमें भी चैलेंजेस मुझे दिखे। तो मीनवाइल ऑफकोर्स हमने एक नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे, तो ये एक गोपाल भाई शुतारिया गुजरात से, उन्होंने वो जो है गोकृपामृतम उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो हमने उनके वीडियो देखे, तो उन्होंने किया जो है उसमें वीडियो में उन्होंने ये बोला है सिंपल की सिंपलेस्ट लाइक फॉर्म में कि आप गोकृपामृतम डालो, केचुए 10 दिन में आ जाएंगे, 7 दिन में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। और हमने वो ट्राई किया था अपने एक्चुअली विलेज में जो है अपने फील्ड में ट्राई किया था, तो सीरियसली समर के सीज़न में 7 डेज के अंदर, एक्चुअली उसमें मैं ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें मैंने जीवामृत भी डाला था और फिर गोकृपामृतम भी डाला, तो थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन ओवरऑल जब मैंने और भी जगह ट्राई किया तो एक हफ्ते के अंदर डेफिनेटली केचुए आ गए, एक हफ्ते के अंदर आ गए। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि एक हफ्ते के अंदर आके आपका पूरा भर नहीं जाएगा, आपको देखो सस्टेन होने में टाइम लगेगा। ये मेरा जो पूरा बर्मी कंपोस्ट वाला फंडा ख़त्म होने में मुझे लग गया कम से कम 2 साल लगा, ये समझ लो। तो देखो, लेकिन आपका फंडामेंटल आपका सेटअप हो जाएगा, केचुए आ गए वो धीरे धीरे आपको डालते रहेंगे, शुरू में आपको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, उतना जो है जितना फर्टिलाइज़र चाहिए प्लांट को आपको। मान लो आपने धनिया उगाया, धनिया 3 महीने में ओपन मतलब उगता है फटाफट, राइट, उसको फटाफट मतलब एनर्जी चाहिए होती है, तो वो शायद पूर्ति ना कर पाए, राइट, बट आपका एक बार आपको बेस बनाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शुरू में आप जो है मे बी आपके आपको मैं बोलूँगा तो बिल्कुल नहीं कि आप वो डालो, क्योंकि देखो जितना आपको उसमें मिलता था ऑर्गेनिक वाले में उतना तो मिल ही जाएगा इसमें, आप शुरू में भी मिल ही जाएगा।